कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक। और ये आयमा नजर नहीं आ रही। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, लेटी हुई है। हाँ आए बैठे ना। बैठे। और सब ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। कुछ परेशान लग रही है, घर में भी उदासी है, आयमा की तबीयत भी खराब है, बल्कि आपकी तो मुझे आंखें भी सूजी सूजी सी लग रही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। वो आँख में कुछ लग गया था शायद, इसलिए आपको स्वेलिंग फील हो रही है। सब ठीक है। महानूर ऑफिस गई होगी? नहीं मानूर आजकल ऑफिस नहीं जा रही। नौकरी छोड़ दी क्या उसने? नहीं, छुट्टियां ली हुई। क्यों, खैरियत है? हाँ उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय ले कर आती। नहीं, तकल्लुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बिना बताए आपको ऐसे ही आ गई। कोई बात नहीं, आपका अपना घर है। दरअसल मुझे आपसे और मानूर से कुछ काम था। कुछ और मानूर से क्या काम था? असल में बात तो यासिर की थी, मगर वो थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा कि अम्मी आप बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्या काम साहब मेरा मतलब है? असल में यासिर आजकल अपनी नौकरी को लेकर बड़ा परेशान है। उसे तो लग रहा था कि उसकी प्रमोशन हो जाएगी, मगर न जाने क्या सियासत चल रही है उसके ऑफिस में कि दिल बर्दाश्ता हो गया वो अपनी नौकरी से। कुछ नहीं होता, ऐसे दरगुजर तो करना पड़ता है। यासिर का मिजाज जरा कुछ अलग किस्म का है, वो जल्दी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो उसने महानूर के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो चाह रहा था कि अगर महानूर अपने बॉस से बात करें तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देंगे उसे। यासिर माशाल्लाह से वो तो इतना लायक और काबिल बच्चा है, उसे महानूर की सिफारिश की क्या जरूरत है? उसे तो वो लोग हंस कर रख लेंगे। रख लेंगे, लेकिन कोई वैकेंसी होगी तब ना। अगर महानूर और फराज अपने बॉस से उसके लिए बात करेंगे तो कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर निकाल देंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर महानूर ही अपने बॉस से बात करे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर निकल जाएगी। असल में यासिर की नौकरी का मसला हल होना तो फिर मैं चटपट शादी की तैयारी शुरू करूँ। समझ रही है ना? जी मैम, चाय लाती।